कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 229 तो बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दोनों दलों में नाराज नेताओं ने हंगामा मचा रखा है। कुछ दिनों पहले संसद में ऐसा हंगामा मचा था जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। विपक्ष ने सरकार का साथ दिया लेकिन पूछा फौरन लागू क्यों नहीं करते। महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में विधानसभा में वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। वहीं कांग्रेस जगह जगह सरकार से लेकर पत्रकारों तक से पूछने लगी है कि कितने ओबीसी के लोग हैं। दोनों दलों की लिस्ट आई तो ये जान लेना दिलचस्प है कि महिला और ओबीसी को दोनों दलों ने कितनी नुमाइंदगी दी है। मध्य प्रदेश में महिला वोटर 2,67,00,000 है यानी कुल 48.36% वोटरों का, लेकिन 230 सदस्यों वाली विधानसभा में बैठी है 22 विधायक यानी 10% से भी कम। 11 बीजेपी से, 10 कांग्रेस से और 1 बहुजन समाज पार्टी की महिला विधायक। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी ने 10% तो कांग्रेस ने 12% महिलाओं को टिकट दिया है। इस बार कांग्रेस ने 30 यानी 13% तो बीजेपी ने 28 यानी 12% महिलाओं को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अब तक 228 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है जिसमें 69 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है यानी 30%। वहीं कांग्रेस ने 229 में से 62 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है यानी 27%। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 48% ओबीसी मतदाता हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को हमें बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। आजादी के 75 साल बाद इस देश की लगभग जो आधी आबादी होती है उसको 33% टिकट का आरक्षण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। हमारी जहां भी सरकार रही, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना, ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो मिसाल रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब इन सभी कदमों के साथ जब महिलाओं की विनेबिलिटी बढ़ेगी, जब महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी, तो एक समय ऐसा भी आएगा महिलाओं को आधे टिकट दिए जाएंगे। ये जो इंसेंटिव्स हैं ये तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको जिताऊ सीटों पर लड़ाती है, कांग्रेस हारने वाली सीटों पर लड़ाती है ताकि सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव पिछड़े वर्ग के साथ न्याय किया और हमारी सरकार जब भी रही, चाहे उस आयोग को संवैधानिक दर्जा देना हो या मध्य प्रदेश में स्वयं नगरीय निकाय चुनाव में 27% आरक्षण के साथ उनका ये सुनिश्चित करना कि उनका अधिकार हो, कांग्रेस ने उन्हें लॉलीपॉप दिया। कांग्रेस ने उनके हित में जब याचिकाएं लगाने की बारी आई तो उसमें खामोश रही। आज भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को कांग्रेस से अधिक टिकट दिया, ये स्पष्ट करता है कि हमने 3 मुख्यमंत्री भी दिए, हमने प्रधानमंत्री भी दिया और सदैव इस वर्ग के साथ न्याय किया। हमने उस बिल को कहा था कि अभी लागू कीजिए महिला आरक्षण के बिल को, अगर वो लागू हो जाता तो सबके लिए ज़रूरी हो जाता कि वो टिकट महिलाओं को ज़्यादा देते। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने हर संभव प्रयास किया कि जहाँ जहाँ भी महिला नेतृत्व है, ऐसा मजबूत विनेबिलिटी जिनके साथ है, उनको टिकट दिया जाए। हमारे नंबर अभी भी ज़्यादा हैं बीजेपी से। हमने पिछले चुनाव में 2018 के मुझे याद है बीजेपी ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिए थे। भारतीय जनता पार्टी जो अपने एक तरह से उपलब्धि के तौर पे चीख चीख के कह रहे थे महिला आरक्षण बिल, उनसे सवाल होना चाहिए कि उन्होंने क्यों इस तरह का अन्याय किया। कांग्रेस के भी महिला प्रत्याशियों से उनकी प्रत्याशी कम क्यों हैं? लेकिन आज दुखद ये भी है कि मध्य प्रदेश में महिला नेतृत्व में बहुत मजबूती हम नहीं ला पाए हैं। दोनों पार्टीज की इसमें कमजोरी रही, समाज की गलती रही, जो भी रहा हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा राजनीति जो लोग करते हैं उनसे कौन सवाल पूछेगा। जहाँ जहाँ विनेबिलिटी वाली चांसेस होती हैं, ओबीसी समुदाय अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समीकरण के साथ है। कुछ सीट्स में ऐसा है जहाँ बहुत कम है, कुछ सीट्स में ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ विनेबिलिटी और सर्वे, ये दो बहुत बड़े पैरामीटर्स हैं टिकट देने के, जहाँ जहाँ संभावनाएं बनी कि ओबीसी को हम टिकट दे सकें वहाँ हमने टिकट दिया। और जो लोग 4 बार से कहते हैं कि ओबीसी का मुख्यमंत्री रहा हो, आज उन्होंने कहाँ ला के खड़ा कर दिया ओबीसी को? अगर कास्ट सेंसस हो जाए, अगर कास्ट सर्वे हो जाए तो शायद और प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है।
लेकिन जो लोग इसको रोक के बैठे हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती है और इसके पीछे नाकामी उनकी है। एक पुरानी कहावत है, कथनी और करनी में फर्क। चाहे महिला आरक्षण का मुद्दा हो या ओबीसी की नुमाइंदगी, दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की कथनी तो आप सुनते ही हैं, करनी लिस्ट में दिख जाएगी। जब उम्मीदवारी ही नहीं देंगे तो फिर नुमाइंदगी कैसे होगी। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग भारी, NDTV इंडिया।